कहते हैं ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं छोटा सा देश ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था और उससे पहले चाइना ने दबाव बनाया था कि ऐसा कुछ न हो शपथ ग्रहण समारोह में, पर ताइवान के नए राष्ट्रपति ने चाइना को चौंका दिया है। जानेंगे ताइवान ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत ने $5,00,000 दिए हैं यूएन को। 2 साल पहले भारत ने एक वादा किया था, उस वादे को पूरा किया है। जानेंगे क्या है ये वादा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये बात तो 16 आने सच है। और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट को ये $5,00,000 दिए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की अपनी सेना भी है जो कि टेररिज्म को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए कई तरह के काम करती है। और इसको, इसके लिए एक फंड भी बनाया गया है। इस फंड में पैसे की जरूरत भी होती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थाई प्रतिनिधि हैं राजदूत रुचिरा कंबोज। इन्होंने 7 मई को भारत आतंकवाद विरोधी संस्था के प्रयासों को बल देने के लिए ये $500,000 का स्वैच्छिक योगदान दिया है। और ये किसे दिया? महासचिव व्लादिमीर वोरोंकोव को। कौन है ये? तो आपको बता दें, 2023 में सभी को बहुत टेंशन हो रही थी कि व्लादिमीर को सत्ता क्यों दे दिया है, ये यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इनको हटाओ। लेकिन फिलहाल के लिए वो हटे नहीं हैं। इसलिए नहीं हटे हैं कि ऐसा हो नहीं सका। कौन है ये? तो ये दरअसल रूसी मूल के हैं, रशियन हैं। इनके हाथ में इस वक्त कार्यकाल है, अध्यक्षता है इस डिपार्टमेंट की। अब $5,00,000 भारत ने दिया कि करीब यहाँ पर लड़ने के लिए यूएन मजबूत हो आतंकवाद को रोकने के लिए। साल 2022 में अक्टूबर महीने में विदेश मंत्री जयशंकर ने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आतंकवाद रोधी समिति को संबोधित किया था। तब उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। साथ ही वादा किया था कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5,00,000 का योगदान देगा। बयान में इन्होंने इस बात को कहा था कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत ये मदद देगा। वैसे अभी तक भारत ने $25,50,000 इस ट्रस्ट फंड में दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भले यहाँ पर पैसा लग रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, काउंटर टेररिज्म के ऑफिस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये रणनीति काम कर रही है? क्या यूएन उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से होना चाहिए? कहने को तो कतर भी ये कह रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, कि हम यूएन को सपोर्ट करेंगे। और भी कई सारे देश हैं जो कहते हैं कि हम यूएन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं चलता है ये पूरा का पूरा संस्था। एक बार जब भारत के हाथ में आई थी इसकी कमांड साल 2022 में, तो भारत ने बहुत अच्छा लीडरशिप दिखाया था। भारत ने मीटिंग्स अरेंज किए थे, भारत ने यहाँ देशों को कहा था, कॉन्फ्रेंस किया था, किस किस देशों में क्या क्या समस्याएं हैं, आपस में जुड़े और आतंकवाद को रोके। यहाँ तक कि भारत के कार्यशैली का चाइना ने भी समर्थन किया था और कहा था कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है। यूएई ने भी समर्थन किया था और कहा था कि भारत सचमुच में इस काउंटर टेरर लीडरशिप को, यूएनएससी के इस यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से भारत ने अध्यक्षता की है। भारत मीटिंग करता था, कॉन्फ्रेंस करता था। इसके अलावा भारत ने एक नियम बनाने की कोशिश की थी कि सदस्य रेडी हो जाएं कि आतंकवाद के लिए पैसा ना पहुंचे आतंकवादियों तक, और यूएन के जो मेंबर देश हैं इनको रोकने में मदद करें। हालांकि भारत के अध्यक्षता के खत्म होने के साथ साथ ही सारी चीजों का मतलब भी खत्म हो गया, पर भारत ने एक अच्छी कोशिश यहाँ पर की थी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने तो कमाल कर दिया और इनके राष्ट्रपति ने तो गजब का झटका दिया है चाइना को। चाइना इस झटके के बारे में सोच भी नहीं सकता है। आपको बता दें, ताइवान को लेकर चाइना बहुत ही ज्यादा आक्रामक है।
ताइवान को अब अपने देश में शामिल करने के पीछे पड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत जब गुजरे थे तो चाइना बुरी तरीके से भड़का था और कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ये हमारा इलाका है। जबकि चाइना क्या करता है, खुद नेवल वेसल्स एयरक्राफ्ट बहुत ही नज़दीक से भेज देता है। जब अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस हेल से ताइवान स्ट्रेट को पार कर रहा था तो यहाँ पर चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट को एकदम नज़दीक से उड़ाना शुरू कर दिया था। काफ़ी कड़ी निगरानी यहाँ पर रख दी थी। पर चाइना पहले ये सोचा करता था कि ताइवान को डरा कर धमका कर ताइवान के अंदर कुछ चीज़ें बदलाव ला कर ऐसा करना है कि उसे खुद से मजबूर कर देना है कि वो आकर शामिल हो जाए। ज्यादातर देशों के साथ ना चाइना ऐसी ही रणनीति अपनाते हुए देखा गया है। चाइना ने बहुत बड़ा युद्ध कभी भी नहीं लड़ा है, छोटा मोटा युद्ध डराना धमकाना और इसी के बल पर जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर लेना हमेशा ऐसा ही नियम अपनाया है और ऐसा ही वो ताइवान के साथ चाहता था। लेकिन साई वेंग के आने के बाद चीजें बदल गई और चीजों के बदलने के साथ ताइवान अब अपने आप को मजबूत करने में लग गया कि हमें चाइना के साथ लड़ने के लिए मुकाबला करना है। जब ताइवान के अंदर चुनाव होने लगे तो चाइना ने ये सोचा कि किसी भी तरीके से ऐसा करेंगे कि इस चुनाव को प्रभावित करते हैं और यहाँ पर अपने समर्थन वाली सरकार लाते हैं। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और यहाँ पर आ गए विलियम लाई। इन्हें कहा जाता है लाई चिंग ते, वैसे बहुत लोग इन्हें विलियम लाई के नाम से बुलाते हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, चाइना ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ऐसा कुछ न स्पीच दे दे जो भड़काऊ स्पीच हो जाए। पर यहाँ पर ताइवान के नए राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम तैयार हैं, अगर हमसे लड़ने के लिए चाइना आता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लड़ेंगे और ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, लाई ने एक चीज जरूर साबित कर दिया है कि वो साई वेंग से भी ज्यादा खतरनाक होंगे इस मामले में। पर ताइवान में सारी स्थितियां एक तरफा नहीं है। प्रेसिडेंट भले ऐसे हो पर ताइवान की संसद में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो चाइना को सपोर्ट करता है। ऐसे में आने वाला समय बहुत ज़्यादा रोचक हो जाएगा। देखना होगा कि अमेरिका की मदद का कितना फायदा ताइवान उठा पाता है और क्या ताइवान के चक्कर में चाइना के साथ लड़ाई हो जाएगी या नहीं। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।